वेलकम बच्चों, एक बार फिर हम लोग आपस में आज फिजिक्स की क्लास में आए हैं। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलाघूर्ण। तो आपको समझना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव पर के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। कुछ सवाल आप जरूर लगाए होंगे, जो भी सवाल आप लगाए हो उनको आप जरूर पूछिएगा और हम आपके लिए उन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस बनाकर वीडियो जरूर लोड करेंगे। तो बच्चों आप आगे बढ़िए, इसी के मददगार में ये आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और जहां भी डिफिकल्टीज हो कमेंट जरूर करें। तो गुड लक बच्चों, आइए हम लोग देखें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम पैरेलल वैद्युत बल रेखाओं से दिखाया जाता है। यहां पर अगर हम एक डाइपोल रख दें तो देखिए ये माइनस चार्ज, ये उतना ही प्लस चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये बिंदु ए पर रखा है, ये बिंदु बी पर रखा है। डाइपोल की लेंथ को 2L दिखाते हैं और डाइपोल मोमेंट को हम वेक्टर पी से दिखाते हैं और ये फील्ड के साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि एक वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आघूर्ण पी दैट इज क्यू इंटू टू एल को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में कोण थीटा बनाते हुए रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इन पर बल आरोपित होगा। वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई चार्ज रखा जाता है तो बल आरोपित होगा, प्लस चार्ज पर जो बल लगता है वो क्यू ई अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की दिशा में लगेगा, जबकि माइनस पर फील्ड के अपोजिट लगेगा, माइनस क्यू ई। तो देख रहे हैं दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी वैद्युत बल F बराबर आ जाएगा QE प्लस माइनस ऑफ QE, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, जीरो, परिणामी शून्य आ गया। स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव स्थानांतरीय स्थानांतरीय साम्य में होगा। स्थानांतरित साम्य का मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तब ये त्वरित नहीं होगा, न इसकी चाल बदल रही होगी न इसकी दिशा बदल रही होगी, मूवमेंट नहीं होगा, ट्रांसलेशनल स्थानांतरित अपने स्थान पर ही होगा, लेकिन एक्सीलरेशन तो नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन में है, तो ये एक टॉर्क क्रिएट करेंगे, इसी स्थान पे, स्थान तो नहीं बदलेगा, इसी स्थान पे इसको घुमाने का काम करेंगे, रोटेट कराने का काम करेंगे। यहां दो बराबर व विपरीत बल बलों की क्रिया रेखाएं समांतर हैं, जिसके कारण द्विध्रुव पर बल
आघूर्ण आरोपित होगा। अगर इक्वल अपोजिट हो जाता सेम लाइन ऑफ एक्शन तो जीरो हो गया होता सब कुछ, यहां पर बल तो जीरो हो रहा है लेकिन पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन नाते बल आघूर्ण लगा है, आरोपित होगा। और ये बल आघूर्ण होगा कितना भाई, बल आघूर्ण होता कितना है, तो किसी बल का परिमाण किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो आइए यहां पर बल आघूर्ण को टाउस दिखाते हैं, एक बल का परिमाण दोनों बल क्यू ही है तो परिमाण कितना हो जाएगा दैट इज क्यू ई, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये इधर है ये इधर है, इनके बीच की लंब इनकी क्रिया रेखाओं पीछे पढ़ाइए लंब देखेंगे तो ये an 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 b, तो ये स्ट्रैंगल में an दैट इज लंबवत दूरी ये आ गया। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा a n b में साइन थीटा दैट इज an अपॉन ए बी, इट सिंप्लाइज दैट an इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एंगल देखिए ये थीटा है, ये उसके सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण an अपॉन ए बी, तो an बराबर आ गया AB sin थीटा, इसका मतलब AN बराबर AB की लंबाई क्या ध्रुव का ध्रुव की लंबाई दैट इज 2L sin थीटा, तब आरोपित बल आघूर्ण, आरोपित बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या आ गया QE, और AN की जगह अगर आप देखेंगे AN की जगह आप देखेंगे तो दैट बिकम्स 2L sin theta, तो tau बराबर q into 2L e sin theta, और q into 2L होता कितना भाई, q into 2L देखिए बल आघूर्ण, बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बल आघूर्ण निकालने के लिए ये p into e sin theta, ये आपका फॉर्मूला आ गया जिससे आप द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण निकाल सकते हैं। परंतु सदिश रूप में देखना है उसको, सदिश रूप क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो तरह का आपको सदिश सिखाया गया था, एक आपको पोलर वेक्टर ध्रुवीय सदिश सिखाया गया था और एक रोटेशनल अक्षीय सदिश सिखाया गया था, ये अक्षीय सदिश है घुमाने वाला है। पोलर वाले में कौन कौन था, ध्रुवीय वाले में कौन कौन था, बल वेग त्वरण जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जिनका जहां से वो आरोपित किया जाता है वो बिंदु होता है, लेकिन एक्सियल वेक्टर जो होते हैं जो घुमाने वाले होते हैं वो एक्सिस के अलोंग पैरेलल लगते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउटवर्ड, स्क्रू रूल से राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से दिखाया जाता है। तो यहां पर देखिए ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे घुमाएगा इसको, ये ऐसे घुमाएगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, इसका मतलब इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब पी क्रॉस ई, पी और ई दोनों वेक्टर है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर है, P क्रॉस E इनवर्ड, इनवर्ड माने क्लॉकवाइज। तो सदिश रूप में जब इसको लिखेंगे हम, सदिश रूप में लिखेंगे तो tau रिप्रेजेंटेड बाई P क्रॉस E, फिगर फिर देख लीजिए एक बार, P देखिए ये है और E इधर है, P क्रॉस E, P से E आएंगे तो अंगूठा बता रहा है राइट हैंड का अंगूठा बता रहा है इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्लॉकवाइज, तो उसी रूप में घूम भी रहा है, तो P क्रॉस E से हम वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा भी बता देंगे। तो इस तरह से जब भी कोई वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर परिणामी बल शून्य हो जाता है और उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जिसका परिमाण टाउ बराबर पी साइन थीटा और उसकी दिशा के सहित निकालना है, तो वेक्टर टाउ इज इक्वल टू
वेक्टर पी क्रॉस ई से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखने पर उस पर आरोपित बल आघूर्ण का एक कॉन्सेप्ट हो गया। इस पर नंबर के लगाइएगा और जहां समस्या आती है कमेंट करिए, न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सॉल्व कर दिया जाएगा। अब काम की बात ये, थोड़ा सा स्तर बढ़ाते हुए अगर हम बात करें तो अगर एक समान के बजाय असमान वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ E1 है यहाँ E2 है, तो यहाँ बल हो जाएगा QE1 यहाँ QE2 और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब रिजल्टेंट बल शून्य नहीं होगा, QE1 माइनस QE2 एक निश्चित दिशा में होगा, उसको हम लोग घटाकर कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर दो फोर्स लग गए और दोनों इक्वल भी नहीं है, तो पहले फोर्स का अलग मोमेंट निकालना पड़ेगा, दूसरे फोर्स का अलग मोमेंट निकालना पड़ेगा, जिस पॉइंट को भी जिसके अबाउट आप रोटेशन में मोमेंट ले रहे हो, जिसके पॉइंट के अबाउट आप आघूर्ण ले रहे हो, QE1 का आघूर्ण और QE2 का आघूर्ण, और दोनों का सदिश योग करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्टेंट वहां पर जो आघूर्ण निकल रहा होगा बलों का वो आप निकाल पाएंगे। तो असमान वैद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट भी इससे ही होकर गुजरता है, तो इस पर सवाल अच्छे से लगाएंगे तो उसके सवाल आसानी से आप काउंट कर पाएंगे। एक समान में रिजल्टेंट फोर्स जीरो, टॉर्क कितना, असमान में रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, घटा के निकालना पड़ेगा, और वहां भी टॉर्क आपको अलग अलग दोनों फोर्सों का कैलकुलेट करके वेक्टर सम करना पड़ेगा। बहरहाल वो बात की बात, इस पर हम लोग सवाल लगाएंगे, देखेंगे कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता है, खूब पूछा जाता है, डेरिवेशन का अभ्यास करिए, न्यूमेरिकल लगा के पूरी प्रैक्टिस कीजिए, तो इसी जाके दिमाग में आ भी जाएगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों, तैयारी करिए, इस चैप्टर आपका आज यहाँ कंप्लीट भी हो रहा है, हम लोग अब गॉस थ्योरम पर आगे बढ़ेंगे, उसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं, अगले वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम में मिलेंगे, उसके पहले आप लोग इसको तैयार करेंगे। गुड लक।